हेलो जी, सत श्रीकाल ते अस्सलाम वालेकुम। की हाल तुहाडे सारेयां दा? ठीक ठाक होंगे, चढ़दी कला विच होंगे जी। तुहानू खुशामदीद कहने हैं एक बार दोबारा अपने चैनल ते प्रीत बानी रिएक्ट्स ते। गाइस, आज असी लेके हाजिर होए हां दोबारा तो हस बेहाल दी वीडियो। ए वीडियो थोड़ी बहुत मैनू लगदा काफी ज्यादा पुरानी वीडियो है, क्योंकि तुसी कहा सीगा कि पुरानी ज्यादा फनी होंदी है। ते थोड़ी रिकमेंडेशन और फरमाइशा ते असी लेके हाजिर हां हस बेहाल दी वीडियो। टाइटल दस दिया, एक सेकंड रुक जाओ, पर पहला जाके करो चैनल नू सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दियो। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल रख दिया, जाओ छेती छेती जाओ सब्सक्राइब करो, फिर आ जाओ दोबारा स्क्रीन ते, फिर कट्ठे मिलके वीडियो देखने और रिएक्शन भी देने उस पासे। ते वीडियो दा टाइटल है बंद लैपटॉप पर काम करने वाले निजुमी। ते देख दे हां निजुमी बने हैं अपने सोहेल अहमद साहब। ते देख दे के हस बेहाल दी, ते चलो देख दे हां वीडियो नु, कर दे वीडियो नु स्टार्ट, मिलने हां तुहानू रिएक्शन दे उस पर। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो के अपने सितारा शनास, इल्मे नजूम के माहिर बीएम अंजुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब साहब बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत क्या हाल है सरकार आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं माफी चाहता हूँ जनाब साहब, मुझे सरकार ना कहिए, अंजुम कह लें, सर कह लें, कुछ कह लें, सरकार मैं इनको कहता हूँ। ये मेरे घर की सरकार है। अच्छा, मेरे घर की हुकूमत है। जरा चोटी है सुबाई समझ लिया है, मेरे घर की हुकूमत जिसे होम मिनिस्ट्री भी कहते हैं दोस्त आपस में। साल गुजर गए, दो साल गुजर गए, आपका ये लैपटॉप ऑन नहीं हुआ आज तक? नहीं ऑन है। क्या ऑन है सर? ऑन है, वो असल में लाइट इसलिए नहीं आ रही कि लोड शेडिंग हुई हुई है, वैसे ऑन है। इसका यही है बस कि दरवाजा बंद कर दो तो बंद हो जाता है, दरवाजा खोल दो। ऐसे आपने मुतासिर करने के लिए रखा हुआ है। अब दौर ही ऐसा जा रहा है जुनैद साहब, मुतासर किए बगैर काम नहीं चलता, और मुतासर हो भी जाते हैं लोग, इसलिए फिर मुतासर करना पड़ता है। असल में तो मसला ये है कि सारे जो काम थे मैनुअल जब होते थे उस वक्त तो हाथ में ही सब कुछ होता था, नजूमी यही से पढ़ लेते थे। ये जो जदीद दौर है जिसे जिद्दत कहते हैं, ये सारी ड्रामेबाजी है। अब ये सब कोई रखना पड़ता है सिर्फ ये बताने के लिए लोगों को कि मैं भी इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ। आप देखे ना, नजूमी तो कहीं रह गए, आलमे दीन कई ऐसे हैं, उन्होंने भी रखा हुआ है। ऐसे ही है। अब तो हर बंदे ने, मोची ने, कान साफ करने वाले ने, कान मैलिया जिसे कहते थे, उन्होंने भी ये रख लिया हुआ। अब किसी से टाइम मांगे डॉक्टर से, वो कहते हैं अच्छा जी एक मिनट टाइम देता हूँ। भाई टाइम घड़ी से दो, बात खत्म कर दीजिए। उनके लैपटॉप ऑफ होते हैं, ऑफ ही होते हैं यार, किसने ऊपर से आके रिसेप्शन से तो देखना है कि ऑन है क्या। अगले बेचारे ने टाइम लेना है, लेके चला जाता। अच्छा तो फिर आप बताते कैसे सितारों का हाल? अभी बताते हैं, आप पूछे। अच्छा ये बताइए 2015 का क्या बनेगा? देखे जी 2015 का तो टोटल बनेगा 8 और मेरा आपकी तरह बनता है 1800। मैं पिछली दफा भी आया था तो आपने मुझे टका नहीं था दिया, हालांकि मैंने 1000 में से 100 जो है वो सिर्फ आपके हसबे हाल की वजह से छोड़ा। मैं जो ऐसा पैसा नहीं छोड़ा साहब, अंजुम साहब मैं आपको कितनी पब्लिसिटी मिली है हसबे हाल की वजह से, इसलिए तो 100 छोड़ा था। मैंने कहा कि आपका शो सारी दुनिया में देखा जाता है, चले हम भी पब्लिसिटी हासिल करेंगे, तो 100 छोड़ दिया मैंने। आप यकीन मानिए मुझे हाथ दिखाए, मैं 1000 से कम नहीं लेता। मैं तो हाथ दिखाने आई थी, पूछने आई थी कि मेरी शादी किससे और कब होगी। कहने लगे कि तुम्हारी शादी एक शहजादे के साथ होगी। अच्छा शहजादा क्या चमड़ गया मुझे ये चौड़ी ना सो बाबा चौड़ी ना सो शहजादे इस खुशगुमानी में मुब्तला थे, क्योंकि अम्मा मोहतरमा बचपन में हमें शहजादा ही कहती। आप किस लिए शहजादी बनने चल पड़ी? मुझे क्या पता था कि मेरे नसीब बिल्कुल कोला हो जाएंगे। आप दिल छोटा ना कीजिए, ये शहजादा और शहजादी सिर्फ लिखने में अच्छे लगते हैं, होते इसी तरह के हैं। ये चार्ज देख लीजिए भाई, आइंदा का वो बरतानिया का बादशाह सलामत है, और उसके मुंह को जरा गौर से देखें तो कागज से बनाया हुआ जहाज लगता है। अब अपनी शादी लेके बैठ गए, मैंने इमरान खान की शादी का पूछना था भाई। इमरान खान की शादी का सबसे पहले मैंने ही तो बताया था। अच्छा? आपको याद नहीं? नहीं। शुक्र है आपको याद नहीं, मैंने ही बताया था। मैंने कहा था कि ये 2015 के आगाज में ही इमरान शादी कर लेंगे। अच्छा? देख लें आगाज हुआ ही तो। कहा था आपने? मैंने आप अपने घर का था और कई दफा कहा था, इनसे पूछ लीजिए अपनी भाभी से। जी।
हाय हाय, आपने तो कहा था कि मियां वाली की किसी लड़की के साथ शादी होगी। हाँ तो ये मियां वाली लड़की है, इसकी डाइवोर्स हुई हुई है। पहले ये मियां था इसका। कितना तेज है ये बंदा। इसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि इमरान खान नया घर बनाने वाला है। ना तो नया घर उसने नई बीवी से बनाना था, और क्या नए सोफे खरीदने थे उसने। तोबा तोबा, बड़ा ही दोगला आदमी है जी ये। दोनों तरफ की बात करता है, या ये होगा या वो होगा। अच्छा, ये दो चेहरों वाला आदमी है। दो चेहरे मिले तो इतना बड़ा मुंह बना। जब इमरान खान ने तर्दीद की थी तब तो क्या हुआ था? तर्दीद, जब इमरान खान ने शादी की तर्दीद की थी तो मैंने इसको कहा होने सुना। तू तो कहता था कि इमरान खान यहाँ घर बनाने वाला है, तो कहने लगा उसने घर बना नहीं लिया बनी गाला में। तो उस वक्त उसने बना लिया हुआ था। अब मैंने ये बीवी वाला घर बनाने का कहा था, ये पेशगोई की थी, तो वो मेरी अल्लाह के फजल से पूरी हो। हाय हाय, पस्त भी मेरी छत भी मेरी। अच्छा मदरमा, आप जरा एक मिनट खामोश रहें। आप ये बताएं कि आपने कब कहा था कि इमरान खान की शादी होगी? मैं अभी बता देता हूं मैंने कब कहा था। ऐसी कौन सी बात है? लैपटॉप की सब कुछ नहीं आपको पता चल रहा है? ऑन है, खुदा के लिए ना इस तरह करें। ऑन है ये, डोंट वरी, डोंट वरी। ये देखें, 9 जनवरी 2015 को मैंने कहा था कि इमरान खान शादी 8 जनवरी को हो गई थी। जाहिर है उसने करनी थी तो मैंने कहना था। नहीं तो आपने प्रेडिक्शन कौन सी की है? यही कि वो शादी कर लेगा। मेरा ख्याल 214 लिखना था, 15 लिख दिया। वैसे आप भी हजूर सारा मुद्दा नजूमियों पे ना डाल दे। आप एंकरों ने भी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन की थी जी, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आप लोग भी बात ऐसे ही करते हैं, या ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। बीच में से जो एक हो जाए वो निकाल के चलाना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा था ऐसे हो जाएगा। तो बताए शादी रहेगी कैसी? अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। देखिए ये जो शादी होती है इंसान करता है इसीलिए कि कामयाब हो। सही, मगर शादी में लड़ाई झगड़ा भी होता है, डांग सोटा भी होता है, डोई चिमटा भी चलता है। फिर वही गोलमोल बात। इस सारी बात में मैंने कोई भी गोलमोल चीज का नाम नहीं लिया। डांग सोटा चिमटा वो भी लंबा होता है, डोई भी लंबी होती है। आप बदनाम ना करें मुझे प्लीज। अच्छा अंजुम साहब, 2015 की सबसे बड़ी पेशन गोई क्या है? 2015 मैंने रीड किया, 3-4 दिन से मैं इस पे वर्क कर रहा था। अच्छा। मैं आपको बताऊं आप हैरान होंगे लैपटॉप पे वर्क कर रहे थे जी। यार खुदा के लिए ऑन है, आप क्यों इसके पीछे पड़ गए हो? सर आप एक दफा दिखाई देना, छोड़ दें आप इसको जहन से निकालिए तो मैं आपको 2015 की सबसे बड़ी पेशीन गोई। फरमाइए 2015 की सबसे बड़ी पेशीन गोई ये है कि शेख रशीद साहब की और इमरान खान साहब की आपस में लड़ाई हो जाएगी। अच्छा। जी हाँ, चूंकि भाई शेख रशीद साहब उनको बार बार फोन करेंगे कि आओ इमरान निकलो बाहर धरना देते हैं। वो कहेंगे कि यार तू तो वेला बंद है, मैं कार बाहर आला हूँ, बंद कर फोन न करी मेरे। अच्छा क्या नाम था आपका हजूर? BM अंजुम। अंजुम, अंजुम। मैं BM अंजुम हूँ और ये BMW है। BM की वाइफ। तो आपको मालूम है कि आपके साथ इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ मैं। आप यकीन मानिए जुनैद साहब, आपने कभी को ऐसा खामन नहीं देखा होगा जो अपनी बीवी के लिए इतना ज्यादा लॉयल हो और इतना मोहब्बत करता हो। अच्छा ये फरमाइए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की आमद आमद है, उस हवाले से आप क्या पेशगोई करेंगे? जी क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी अभी बताए देते हैं। कुछ काम किया उस पे? जी ये अभी देखिए, अभी आपको बताता हूँ। ये लैपटॉप आपका चलता है जी? आपने पार्टी जाना है? मुझे तो बहरहाल बंद नजर आ रहे हैं हजूर। अगर मैं बंद में से भी ना देख सकूं तो मैं नजूमी काहे कहूं? समझे नहीं आप? ऑन करके तो सारे इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं नजूमी हूं, मुझे कुछ तो अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। जी फरमाए वर्ल्ड कप के बारे में। वर्ल्ड कप जो है ना जी, ये आप जानते हैं सब लोग के 75 में शुरू हुआ था, 75 में। ठीक। और इस दफा आप ये ऐलान कर दीजिए, बल्कि ये बड़ी मुबारक बात है कि आपके हस्बे हाल की वसातत से
मैं पूरी आवाम को ये आज वर्ल्ड कप के हवाले से बता देना चाहता हूँ, जाए मेरी बात लिख ले, सब बुकिए शुकिए जितने भी हैं सब ये बात लिख ले, कोई बड़ी पेशगी करने लगे। ले जी, इस दफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के लिए 75 का हिस्सा बहुत मुबारक है और बहुत अहम है। 75 का, याद रखे मेरी बात। किस हवाले से? पाकिस्तान की टीम जो है ये किसी भी मैच में अगर 375 तक स्कोर कर गई, हाँ, या मुखालिफ टीम को इन्होंने 75 से पहले पहले आउट कर दिया, हाँ, तो ये मैच जीते ही जीतेंगे। लिख ले मेरी बात, ऐसे नहीं लिखे बात। टीम चेज करेगी जुनैद साहब, जाए मेरी बात, लिख ले, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जिस मैच में पाकिस्तान की टीम ने 375 या इससे ऊपर स्कोर बना ली, ये मैच उनका होगा, ये पाकिस्तानियों का होगा। अच्छा। और जिस मैच में मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को इन्होंने 75 से पहले पहले आउट कर दिया, जिते वो मैच भी इनका होगा। वैसे आपको एक बात बताऊं अनुप साहब, पाकिस्तान की टीम 75 रन पर भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। हाँ, फिर क्रिकेट में चांस तो है। बाकी वर्ल्ड कप का जो मैंने अनाउंस किया है ना बेगम, आप यकीन मानो होगा यही वर्ल्ड कप। ये तो आपके शो में ऐसे कर रही हैं, वरना घर में हो तो पूरा बना के करती है। इसमें वर्ल्ड कप का क्या बताना है, किसी को घर की चाय के कपड़ों का नहीं पता। मैंने परसों चाय डालकर दी तो कप को देख कर कह रहे हैं, ये कप कहाँ से आया है? हाय हाय, मैंने कहा ये वही कप है जो मेरे जहेज में सेट आया था 30 सेट। भाई इनको तो कप इसलिए याद है कि इनको जहेज में इनके वालिद साहब ने वही 6 कप और 1 3 पहियों वाली साइकिल दी थी। 3 पहियों वाली साइकिल, हाँ, हमने बस जिद कर ली, चूंकि खानदान में वो डिस्कस हो रहा था तो हमने इनके वालिद साहब से जिद कर ली कि भाई हमने गाड़ी जरूर लेनी है जहेज। अच्छा। फिर इन्हीं की बचपन की 3 पहियों वाली साइकिल पड़ी हुई थी। अच्छा। वही उन्होंने फिर जहेज में भी दे दी। अच्छा। वैसे उस साइकिल ने हमें फायदा बहुत दिया। अच्छा। शुरू शुरू में कुछ साल हम उसी साइकिल पे अपने बिजनेस पे जाया करते थे। बिजनेस पे? जी हाँ, उस वक्त हम निहारी लगाते थे। ये बिग लगाना बाद में शुरू हुआ, पहले निहारी। अच्छा, तो आपने विग लगाई हुई है? हाँ जी, विग लगाई हुई है। अच्छी लगी आपको? अभी विग लगाई है, पहले तो हमारे इतने इतने लंबे बाल हुआ करते थे। अच्छा। रेशमी बाल थे, जब हम चलते थे तो बाकायदा ऐसे उछलते थे बाल हमारे। हमारे वालदा मोहतरमा को हमारे बाल बहुत पसंद थे। अच्छा। वो क्या करती थी कि मेरे बेटे के बाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इमरान खान बॉलिंग कराने आता है तो उसके बाल उछलते है। बस फिर जब ये ब्याह की आई है, इनको पता चला कि माँ जी को हमारे बाल इमरान खान जैसे लगते हैं, तो इन्होंने फिर एक एक करके उखेड़ दिए बाल। अब पता नहीं इन्होंने माँ जी की मुखालफत में बाल उखेड़े हैं या इमरान खान की मोहब्बत में। बहुत गुस्से वाली लगती है आपकी अहलिया। जी हाँ, अभी तो 2-3 साल से शुगर हो गई है तो कदरे मीठी हो गई है। अच्छा। वरना तो बड़ी कड़वी तबीयत थी। शादी वाले दिन निकाह खान निकाह पढ़ा रहा था, उसने दूसरी दफा पूछा है कबूल है, उसे मारना शुरू हो गई कि मैं तेनू एक गल नहीं सुनिया जाता। थोड़ी देर बाद निकाह खान का रुमाल वो पड़ा हुआ था, रजिस्टर वो पड़ा हुआ था, सारी बारात डर गई। वो तो फिर इनके वालिद मोहतरम ने इनको समझाया कि बेटा 3 दफा पूछना होता है। अच्छा। वहां जाके ये जरा ठंडी पड़ी। ओ चलो जी गाइस, वीडियो हो गई है खत्म। हाँ जी, वीडियो की गल करते हैं। वीडियो सी की बहुत ज्यादा शानदार वीडियो सी की पुरानी, क्योंकि तुसी लोगों ने सानू कहा सीगा कि पुरानी वीडियो देखो हसबेहाल दी, उस ज्यादा कॉमेडी है, तो असी वीडियो देखी तो एक्चुअली ज्यादा फनी सीगी, क्योंकि एदे विच करैक्टर बहुत सोहना निभाया सीगा उन्होंने। तो जदों जदों भी वो कोई नवा करैक्टर लैके आते हैं, वो पूरे तरीके नाल उस करैक्टर निभाते हैं, वो लगता ही नहीं कि कोई होर करैक्टर असी देखिया भी है उन्हों का, है ना। वो लगता है कि असी उन्होंने इसे करैक्टर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इन्ना उस तबीयत नाल निभाते हैं उस करैक्टर नूं। ते पहली बार देखिया कि कोई उन्होंने अजीज साहब पहली बार कोई टूट के पै गया, अदरवाइज वही बोलते होंगे हमेशा। ते आज जेड़ी बीबी बैठी थी टूट के पै गई, कहती दो गला है, कहती दो मुंह हो गए, ताई दो में मिला के एडा वड्डा मुंह होया था, कहती। पर उन्होंने डायलॉग या उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल सी। हाँ जी, बहुत पावरफुल सी, उन्होंने आवाज भी उदा जोर। सारे स्टेज आर्टिस्ट ने ना, सारे वो स्टेज आर्टिस्ट है, ने सारे दे जेड़े स्टेज आर्टिस्ट है उन्होंने पता, उन्होंने सिर्फ एक माइक मिलता है अगे, उन्होंने सिर्फ चला चला के अपनी उस माइक के थ्रू अपनी आवाज पूरी ऑडियंस तक पहुंचानी होती है। उन्होंने गला इन्ना आवाज करता है कि इन्हें माइक उन्होंने देता जाए गले वाला, वो तो फिर पाड़ देंगे।
नहीं, आई थिंक बहुत वधिया वीडियो सी, और अगेन इंडिविजुअल कैरेक्टराइजेशन ज्यादा सी की, जिवें मतलब सोहेल अहमद साहब का अपना एक फड़िया होया कैरेक्टर सीगा, ते होर पार्टिसिपेशन नहीं सी, जिवें लेडी जिहड़े उन्हां दे नाल बैठे सी सानूं। बाकी नजूमिया दी गल करिए ना, कि नजूमिया नहीं होनी हैगी, मैनूं नहीं पता। बाकी जिहड़े टॉपिक दी गल करिए ना वीडियो, नजूमी वाला टॉपिक बड़ा घैंट, एक्चुअली मैनूं वर्ड बड़ा पसंद है नजूमी ना, क्योंकि जे बंदा किसी होर दा दस सकदा अपना क्यों नहीं देख सकदा, हां जे अपना देख के तुसी अपनी जीवन सेट करो अपना कि तुसी लोकां नूं दसदे फिरदे, आई थिंक ये फ्रॉड काम है। बट लोग जिदा कहते हैं कि जिदा मजबूर हुंदा बंदा, हर कोई बंदा जानता ही है मजबूरियां दे करके, लोकां दा बिजनेस मजबूरियां दे चलदा, जिहड़े बाबे हुंदे ने नजूमी हुंदे ने होर जिहड़े सारे हुंदे ने ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਨੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦ ਲੈਪਟਾਪ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ, ਇੰਜ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਸਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆ ਬੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਨਾਜ਼ੀਆ ਬੇਗ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਫਟਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾਜ਼ੀਆ ਬੇਗ ਦਾ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਲਾਫਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਫਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਬਟ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਫਟਰ ਬੁਆਏ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਫਟਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਸ਼ੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਫਟਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਨਾਜ਼ੀਆ ਬੇਗ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਫਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ। ਨਹੀਂ ਗਾਇਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿੰਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗਾਇਜ਼, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ, ਜੇ ਭੁੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਗਾਇਜ਼, ਹਮੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜੋ ਤੁਮ ਜਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗਾਇਜ਼, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।